हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ग्लूटाथायन स्किन ट्रीटमेंट में कितना खर्च आता है, चाहे वो ओरल हो, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, या टॉपिकल जैसे क्रीम आती हैं या सीरम लोशन आते हैं, इन सब में कितना आपको खर्च पड़ेगा स्किन ट्रीटमेंट कराने के लिए कि आपकी स्किन थोड़ी सी फेयर दिखने लगे, थोड़ी सी गोरी दिखने लगे। गोरी दिखने का एक अलग मुद्दा, उसको बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ टॉपिक यह है कि कितना ट्रीटमेंट पे खर्च होता है। तो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन लेते हैं इंजेक्टेबल, जो कि प्रिफर्ड है, या यूं बोलो साइंटिफिकली ज़्यादा प्रूवन है कि इससे फेयरनेस बढ़ती है। बाकी के जो टॉपिकल और ओरल हैं उनका उतना अच्छा रिसर्च में आया नहीं कि उनका असर होता है। तो जो इंजेक्टेबल फॉर्म है उसका आप देखिए, ये स्क्रीन पे इमेज दिख रही है आपको, जो मिनिमम रेट है ग्लूटाथायन इंजेक्शन का वो है 1200 रुपये। और ये एक दूसरी लिस्ट देखो आप स्क्रीन पे, जिसमें अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की रेट लिस्ट है, ज़्यादातर उसमें 1200 से लेके 1500 के बीच है एक इंजेक्शन का। और जब ये शुरुआत करी जाती है तो बाई वीकली लगता है, वीक में 2 इंजेक्शन लगते हैं और उसके बाद पर वीक में 1 लगता है। और मिनिमम इफेक्ट आने के लिए कम से कम आपको 48 to 50 इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो अभी इंजेक्टेबल की बात करें तो मैंने इसको इसलिए बोर्ड पे लिख दिया है कि क्लियर रहे, जो मिनिमम रेट है वो 1200 रुपये है। आपको अगर 50 इंजेक्शन के रेट के हिसाब से देखोगे तो लगभग पड़ता है ये 60,000 का। सो 50 इंजेक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो रेट पड़ रहा है इसका 60,000, इतने का पड़ता है। तो इसके साथ में विटामिन सी लेना है और जिंक की वैल्यू कम हो जाती है तो वो सप्लीमेंटेशन अलग से लेने पड़ेंगे, तो उसका प्राइस अलग बढ़ जाएगा। साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट की फ़ीस, क्योंकि आपको किसी डॉक्टर के सुपरविजन में करवाना है, क्योंकि जो इंजेक्टेबल फॉर्म होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसको ऑब्जर्व करना होता है। कई बार लीवर की टॉक्सिसिटी कराना, एब्डामन में अपसेट है, किडनी में प्रॉब्लम्स है, और भी कुछ कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सारा मिला के आपको 60 to 80,000 का पड़ता है, चाहे जहाँ पर कराओ। इसका असर तब तक रहता है जब तक ये ट्रीटमेंट रहेगा। तो एक बार जैसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट बंद हो गया तो 1 महीने के बाद, स्टडीज़ में यह पाया गया है कि 1 महीने के बाद ये ग्लूटाथायन आपके शरीर से निकल जाएगा, और जो मिलानिन है, जो ग्लूटाथायन मिलानिन के लेवल को कम करता है, मिलानिन फिर से बनने लगता है। और अगर ये ग्लूटाथायन का इंजेक्शन लेते समय आप सन में गए, सन एक्सपोजर हुआ अल्ट्रावायलेट रेज का, तो फिर आपकी स्किन दोबारा से मिलानिन बनाने लगती है। तो ये 2-3 इसके डिसएडवांटेज हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि ये 60 to 80,000 में 3-4 महीने काम करता है, और आपने 1 महीने ट्रीटमेंट अगर बंद कर दिया तो आप दोबारा से स्किन आपकी वैसे जो आपका नेचुरल कलर है वो आ जाएगा, मतलब परमानेंट फेयरनेस नहीं है। अब बात करते हैं ओरल की। ओरल प्रिपरेशन आपके स्क्रीन पे जैसा कि ये वाली आप देखें, टेबलेट्स देखें, ये कोई भी टेबलेट्स लोगे, अलग अलग कंपनी के भी चाहे देख सकते हैं स्क्रीन पे है, ये सारी की सारी टैबलेट लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में पड़ती, इससे कम की सिंगल टैबलेट नहीं पड़ती। 1000 मिलीग्राम वाली है, अगर आपको खाना है तो उसको एक दिन में एक खाना है, और ग्लूटोन 1000 को एक खाना है सिंगल, और अगर 500 वाली खाते हैं तो आपको बीडी लेना है। एक टेबलेट आती है 100 की 1000 वाली, तो इसको आपको कम से कम नहीं तो 5 से 6 महीने लेना है। और 5 से 6 महीने मतलब कि अगर हमने एक टेबलेट 100 रुपये की है और 1 महीने का करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 के आसपास, और 6 महीने का करेंगे तो ये लगभग आ जाता है 18,000 के आसपास। इसके साथ में विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन लेना है ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो और ग्लूटाथायन का असर पोटेंशिएट होता है। साथ में जिंक लेना है। ओरल जो ट्रीटमेंट लिया जाता है, टेबलेट्स ली जाती हैं, ये साइंटिफिकली बहुत अच्छे से प्रूव नहीं है कि शरीर के अंदर जाती हैं। इसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है और सिस्टीन है। ये तीनों पेट के अंदर जो पेप्टाइडेज होते हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब भी ओरल सप्लीमेंटेशन ले तो कोशिश करें, लाइपोसोमल फॉर्म में आती है फैटी एसिड के साथ, उसको लो, सोमल फॉर्म को लेना चाहिए। ऐसा क्लेम है कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है, चली जाती है ब्लड के अंदर, पर ज़्यादातर जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसमें यही पाया गया है कि जितनी डिजायर्ड अमाउंट होना चाहिए ओरल फॉर्म का वो ब्लड के अंदर नहीं जाता। इसलिए ये लेने के बावजूद भी ओरल फॉर्म सबको असर आएगा कि नहीं, बहुत सारी स्टडी हुई नहीं, जितनी स्टडी हुई उसमें रिजल्ट सारे के सारे वेरिएबल रहे, कुछ पे रिजल्ट्स आए हैं कुछ पे नहीं आए। जब जाते हैं क्रीम की बात करते हैं, फेस वॉश की बात करते हैं, लोशन आप लगाते हो, तो जो फेस वॉश है और अब उन्हें उसकी बात हटा दे उसकी, इसलिए क्योंकि ये मिलानिन को कम करती है, इसलिए मिलानिन को हटाना फेस वॉश और सॉप से नहीं हो सकता है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, तो क्रीम से हो सकता है। सो क्रीम की बात करें, जैसे कि ये ट्राइकोन एल क्रीम है, ये जैसे आप देख रहे होंगे अमेजन साइट पे लगभग 800 रुपये आती है,
ऐसे ही ग्लूटा सी है या ग्लूटा लाइट है, जितने भी आप क्रीम चेक करेंगे लगभग 800 से लेके 1000 के बीच में पड़ती हैं, जो हमें चेहरे पे टाप कर लगाना है। और इसको एक तो 6 से 8 महीने लगाना है, और इसका असर मतलब सबसे लीस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ग्लूटाथियोन बड़ा मॉलिक्यूल है, वो इजली स्किन के अंदर जाता नहीं है, मतलब उसको स्किन के अंदर जाना पड़ेगा तब वहाँ पे जो पिगमेंटेशन है उसको हटा पाए। फिर भी अगर आप इसको 6 महीने ट्रीटमेंट लेते हो तो लगभग 6 से 8 हज़ार का खर्च पड़ेगा, और इतना स्किन पे लगाने का इतना इसका इफेक्ट नहीं आता। सो अगर मिलानिन कम भी करना है तो ग्लूटाथियोन की जगह दूसरे एंटी मिलेनोजेनिक सब्सटेंस आते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोजिक एसिड है, अरब्यूटिन है, या हाइड्रोक्विनोन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, और विटामिन सी है, विटामिन ई, निकोटिनामाइड, ये सारे मिलानिन को कम करते हैं। और ये वाली क्रीम सस्ती होती है और ग्लूटाथियोन वाली क्रीम महंगी होती है। तो ये मैंने तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको बताया। इंजेक्टेबल लेना है तो 60 से 80 हज़ार, ओरल लेना है 20 हज़ार में होगी, लेकिन उसका असर सही नहीं है, मतलब आता नहीं, कुछ लोगों में आ सकता है असर, तो इंजेक्टेबल में भी कुछ लोगों में ही आता है, और जो स्किन में लगाई जाती है क्रीम उसका असर तो लगभग ना के बराबर है स्टडीज में, क्योंकि उसके अलग अलग रीजन्स हैं, मतलब वो स्किन के अंदर नहीं जा सकती और जो वहाँ पे असर चाहिए वहाँ पे होता नहीं है। तो ये सारा मेरा बताने का मतलब था कि आपको सिलेक्ट करना है कि करवाना है कि नहीं करवाना है। मेरी राय तो इसमें ये रहेगी कि जिनके मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके 20-25 हज़ार सैलरी हो, वो इस वाले ट्रीटमेंट ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं जाएं, स्किन फेयरनेस के लिए उनके पास दूसरे ऑप्शन है उस पे जाएं, नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें ग्लूटाथियन होता है उसको यूज करें, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, मैं इस वीडियो बना रखा है इसको आप चेक कर सकते हैं। और किसी को अगर किसी ऐसे खास इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, सिनेमा टेलीविज़न इन सब में जाना है और पैसे की इशू नहीं है, तो वो चाहे तो ओरल टेबलेट्स ले सकता है। इंजेक्टेबल अगेन जब भी लेना है तो डॉक्टर के सुपरविज़न में, डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में लेना है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी कि इससे मेरी स्किन वाइट हो जाएगी। तो ये पूरा कितना खर्च होता है उसके बारे में एक मैंने जानकारी दी है, तो आप लोगों को खर्च वाला जो पोर्शन होता है ग्लूटाथियन को उसके बारे में पता चल गया होगा, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।